हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल आज फिर से साइंस की नई प्रैक्टिस सेट आपको देने जा रही हूं इसमें मैंने बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और अगर आपको इसके पी से या किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बी एच पॉइंट के नाम से और व्हाट्सएप ग्रुप भी है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इसका दोनों का ही लिंक हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहाँ से भी आप डायरेक्ट इस आ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके अलग अलग प्ले लिस्ट हैं हमारे पास इसके अलावा जनरल साइंस की हमने और भी बहुत सारी प्रैक्टिस सेट दी हुई हैं तो अगर आप नहीं देखे हैं जो लोग भी नए हैं तो वो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारे जो भी एग्ज़ाम्स हैं मंडे एग्जाम्स हो या फिर जो इंट्रेंस हैं किसी भी कॉलेज़ यूनिवर्सिटी की वहाँ से हमने सेलेक्ट करके तब आपके लिए लाई हैं तो इसको प्लीज़ केयरफुली देखिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा और अपना स्कोर क्या होता है आपका आपने कितना करेक्ट किया है आप कितना जानते हो ये चीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो आइए शुरू करते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है द साइज ऑफ रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन एयर इज इसका ये मतलब है इसका मैंने हिंदी नहीं लिखा है किसी किसी चीज़ का तो मैं उसे प्रोनाउंस कर दूँगी आप उसे सुन लीजिएगा प्लीज जो आ, मतलब रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन एयर मतलब एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसमें कौन सा मतलब कितने साइज का पार्टिकुलेट मैटर होता है जिसे हम सांस के द्वारा ले सकते हैं इसके ऑप्शंस हैं मोर देन सेवन माइक्रोन मोर देन सिक्स माइक्रोन मोर देन फाइव माइक्रोन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका लेस दैन फाइव माइक्रॉन तो रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के लिए एक सी के द्वारा एक मतलब बनाया गया है कि टू पॉइंट फाइव माइक्रॉन होना चाहिए इससे ज़्यादा का अगर साइज है तो उसे हम रेस्पिरेशन के थ्रू नहीं ले पाएंगे और ये इतना भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करता है इससे ज़्यादा तो हार्म करेगा ही लेकिन इससे छोटा पार्टिकल भी हमारे रिस्परिटरी सिस्टम को खराब कर देता है हमारे लंग्स में जाता है और बहुत सारे डिजीज कॉज करता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी अगला क्वेश्चन है आपका द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज सोलर रेडिएशन का विजिबल रेंज क्या होता है रेंज जब भी पूछा जाए तो इसका मतलब ये है कि आपसे वेवलेंथ पूछा जा रहा है ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा इसके ऑप्शंस हैं हंड्रेड टू फोर हंड्रेड नाइनोमीटर फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड नाइनोमीटर सेवन फोर्टी टू थाउजेंड नैनोमीटर एंड नन ऑफ द एब तो ये विजिबल रेंज पूछ रहा है सोलर रेडिएशन में आप जानते हो इन्फ्रा भी होता है यू वी विजिबल भी होता है और विजिबल भी होता है और भी बहुत सारे रेडिएशन होते हैं लेकिन ये सिर्फ विजिबल यहाँ पे रख रखा गया है इसका ये मतलब है कि विजिबल रीजन कितने रेंज में आता है मतलब उसका वेवलेंथ कितना होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड नैनोमीटर, फोर थाउजेंड टू सेवन थाउजेंड एंगस्ट्रम कह सकते हो आप क्योंकि नैनोमीटर का मतलब होता है टेन टू दावर माइनस नाइन और एंगस्ट्रम का मतलब होता है टेन टू दावर माइनस टेन तो ये फोर थाउजेंड टू सेवन थाउजेंड एंगस्ट्रम या फिर फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड नाइनोमीटर तो इसको ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इनमें से कौन सा तत्व आर्टिफिशियली मतलब मैन मेड है कौन सा निम्न में से इसके ऑप्शन हैं नेपचूनियम प्लूटोनियम फ्रांसियम एंड टेक्नेटियम प्लूटोनियम मैन मेड नहीं है और प्लूटोनियम जो है वो आपका डी ग्रुप एलिमेंट होता है नेपचूनियम आपका एफ ग्रुप एलिमेंट है फ्रांसीियम आपका एस ग्रुप एलिमेंट है लेकिन टेक्नीटियम जो है ये आपका मैन मेड एलिमेंट होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ये uh, मतलब ह्यूमंस के द्वारा लैबोरेटरी में तैयार किया हुआ एलिमेंट है टेक्नीटियम अगला क्वेश्चन है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम किस में होती है इसके ऑप्शंस हैं मतलब प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है ऑप्शंस डायमंड वाटर वैक्यूम एंड हाइड्रोजन तो इसमें किसी भी मटेरियल को आप लेते हो तो उसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब है कि उसमें साइज टू मास रेशियो या जो उसकी एक डेंसिटी होती है वो अवेलेबल होती है और जनरली हम इसको म्यू से डिनोट करते हैं जब किसी भी चीज़ की वेलोसिटी आपको निकालनी होगी तो उसमें हम म्यू से डिवाइड कर देते हैं तो डायमंड का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वाटर का अपना होता है हाइड्रोजन का अपना होता है वैक्यूम में कुछ नहीं होता है तो वैक्यूम के लिए इसमें हमको कुछ भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए जो वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्री इंटू ट्वेंटी पावर एट मीटर पर सेकेंड आप देखते हो वो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है और ये सबसे ज्यादा वैक्यूम में होगी और रीजन आपको मैंने बता दिया है क्यों होगी तो इसका करेक्ट आंसर है वैक्यूम अगला क्वेश्चन है आपका व्हेन लाइट वेव्स पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास द वेरिएबल अफेक्टेड आर जब प्रकाश हवा से शीशे में जाता है तो क्या बदल जाता है वेरिएबल्स मतलब कुछ आ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मीडियम पे डिपेंड करती हैं इसके ऑप्शनस हैं वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी वेलोसिटी एंड फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ एंड वेलोसिटी तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वेवलेंथ एंड वेलोसिटी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है वेलोसिटी वेरिएबल है लेकिन फ्रिक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है फ्रिक्वेंसी वेरिएबल नहीं होती है इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रिक्वेंसी हमेशा ही सेम रहेगी सिर्फ आपका वेव और वेलोसिटी बदल जाती है वेव के बदलने की वजह से ही वेलोसिटी बदलती है क्योंकि वे वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो एन लमडा या एन न्यू के बराबर होता है और इसकी वजह से ये चेंज होता रहता है अगला क्वेश्चन है आपका द गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब फॉर डेकोरेशन एंड एडवरटाइजिंग इज कौन सा गैस यूज किया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब्स में एंड एडवरटाइजिंग के लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए या Uh, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब कहने का मतलब है जैसे रे ट्यूब्स या रे ट्यूब आपने सुना होगा रे कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हु, हुई थी रे से आपका प्रोटॉन uh, की डिस्कवरी हुई थी गोल्ड स्टीन ने किया था ये तो uh, इसके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड एंड न्योन तो इन डिस्चार्ज ट्यूब्स में कभी भी इनर्ट गैस यूज की जाती हैं नॉर्मल गैस जो रिएक्टिव होती हैं वो इसमें यूज नहीं होती हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नियॉन अगला क्वेश्चन है आपका एक कट डायमंड साइन ब्रिलियंटी ड्यू टू डायमंड का जो चमक होता है वो किसके कारण होता है इसके ऑप्शंस हैं सम इनहेरेंट प्रॉपर्टी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड एबजॉर्बसन ऑफ लाइट इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये एक प्रॉपर्टी होती है जो डायमंड में प्रेजेंट होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट की प्रॉपर्टी होती है जब जब लाइट जो है वो किसी मीडियम से बाहर नहीं जा पाए मतलब इंटरनली ही रिफ्लेक्शन उसमें होता रहे तो इस तरह के प्रोसेस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसी वजह से डायमंड जो है वो बहुत ज़्यादा चमकता है अगला क्वेश्चन है आपका डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोसफियर टेक्स प्लेस ड्यू टू एटमोसफियर में लाइट का डिफ्यूज़न होता है किसकी वजह से इसके ऑप्शन हैं कार्बन डाइऑक्साइड डस्ट पार्टिकल्स हीलियम एंड वाटर वेपर तो डिफ्यूजन वहाँ पे होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल हों तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी डस्ट पार्टिकल्स अगला क्वेश्चन है आपका द कलर ऑफ लाइट इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स लाइट का कलर कैसे पता किया जाता है इसके ऑप्शनस हैं एम्पलीट्यूड वेवलेंथ इंटेंसिटी एंड वेलोसिटी एम्प्लीट्यूड का मतलब होता है जब इस तरह से लाइट ट्रैवल कर रही होती है तो इसमें ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है जो क्रेस्ट या ट्रफ बनता है उसका मीन से जो डिस्टेंस होता है इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है एंड वेवलेंथ इनके बीच के डिफरेंस को कहा जाता है ये आपका वेवलेंथ हो गया दो ट्रफ या दो क्रेस्ट के बीच एंड इंटेंसिटी आप जानते हो आईस डी करते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीच्यूड के स्क्वायर के और वेलोसिटी आप एल एमडा या मतलब वेलोसिटी जो होती है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है लेकिन ये लाइट के कलर को डिटरमाइन नहीं करती है ना ही एम्प्लीट्यूड ना ही इंटेंसिटी और ना ही वेलोसिटी जो वेव लेंथ है वो डिफाइन करता है कि लाइट का कलर क्या होगा जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने बताया था कि लाइट का जो विजिबल रेंज होता है वो फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड के बीच होता है तो वेवलेंथ जैसे जैसे चेंज करता जाता है वैसे वैसे लाइट की कलर चेंज होती चली जाती है और विवजी जो आप देखते हो सेवन कलर्स वो वे अलग अलग वेवलेंथ की वजह से होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी अगला क्वेश्चन है आपका द सन एंड मून एपियर्स इलिप्टिकल नियर द होरिज़न बिकॉज ऑफ हॉरिजन कहने का मतलब है जब आप देखते हो तो सन या मून जो है वो इलिप्टिकल क्यों दिखता है मतलब कंप्लीट सर्कुलर नहीं दिख के एलिप्टिकल दिखता है ऐसा क्यों दिखता है इसके ऑप्शंस हैं रिफ्रैक्शन ऑप्टिकल इल्यूज़न इंटरफेरेंस फेनोमिन एंड दे आर एक्चुअल सेप ये तो नहीं होगा दे आर एक्चुअल सेप ऐसा नहीं है इंटरफेरेंस मतलब सन का जनरली हम इलेप्टिकल मानते हैं लेकिन वो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है सन एंड मून दोनों का ऑप्टिकल इल्यूजन भी इसका नहीं होगा एक्चुअली ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है लाइट के रिफ्लैक्शन की वजह से वो हमें एलिप्टिकल दिखाई देता है इसका करेक्ट आंसर होगा ए अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल एलिमेंट निम्न में से कौन सा फंडामेंटल या बेसिक एलिमेंट है इसके ऑप्शन है सैंड डायमंड मार्बल एंड सुगर सैंड आप जानते हो एस आई टू होता है इसका फार्मूला सैंड का मार्बल आप जानते हो कैल्शियम uh, कार्बोनेट को कहते हैं सी एस यू थ्री या सी यू टू को सी एस यू थ्री शुगर आप जानते हो इतना लंबा सा फॉर्मूला होता है सी बारह एच बाईस ओ ग्यारह ये आपका शुगर होता है और डायमंड आप जानते हो कार्बन से मिलके बना होता है तो बाकी जो भी आप देख रहे हो ऑप्शंस वो कंपाउंड्स हैं एलिमेंट्स नहीं हैं इनको हम फंडामेंटल एलिमेंट्स नहीं कह सकते हैं सैंड मार्बल सुगर ये सारे कंपाउंड्स होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के मिक्सचर हैं तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी क्योंकि डायमंड जो है वो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कहलाता है डायमंड ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फलरन ये तीनों एलो ऑफ कार्बन कहा जाता है क्योंकि कार्बन से मिलके ये बने होते हैं एक चीज और याद रखिएगा जो बक मिस्टर फलरेंस होता है वो सिक्सटी कार्बन से मिलके बना हुआ होता है अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द एक्चुअल यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप थ्री एंड फोर ग्रुप थ्री एंड फोर जो एलिमेंट है उनके ऑक्साइड्स की कैसी प्रॉपर्टी होती है तो इसके ऑप्शंस हैं बेसिक एंड एसिडिक बेसिक एसिडिक एंड न्यूट्रल जितने भी जो नॉन मेटल्स हैं नॉन मेटल्स ऑक्साइड जो भी होते हैं वो सारे के सारे एसिडिक होते हैं एंड जो भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं ग्रुप थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट आप देखोगे ग्रुप थर्ड कहने का मतलब है कि बोरॉन uh, फैमिली और कार्बन फैमिली थर्ड आपका बोरोन फैमिली है और फोर्थ कार्बन फैमिली है तो इसमें ऊपर वाले मतलब बोरोन कार्बन ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं लेकिन जैसे नीचे आओगे जैसे कि टेलोरियम हो गया या इधर बिस्मथ वगैरह हो गया तो ये सब आपका मेटल्स में आ जाते हैं तो ऊपर वाले सारे एसिडिक होंगे लेकिन जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक हो जाते हैं तो ये दोनों ही होंगे तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एसिडिक एंड बेसिक अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल इज वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल। इनमें से निम्न में से कौन सा बहुत ज्यादा हार्ड और डक्टाइल होता है सिर्फ हार्ड पे ध्यान नहीं दीजिएगा डक्टाइल भी है हार्ड भी हो और डक्टाइल भी हो इसके ऑप्शंस हैं कार्बोरेंडम टंगस्टन कास्ट आयरन एंड नाइक्रोम इसका करेक्ट आंसर होगा डी नाइक्रोम जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड डक्टाइल दोनों होता है कार्बोरेंडम बहुत ज़्यादा हार्ड होता है लेकिन ये डक्टाइल नहीं होता है टंगस्टन वगैरह भी ये बहुत ज़्यादा ये डक्टाइल नहीं होता है टंगस्टन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है एंड कास्ट आयरन भी नहीं होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी अगला क्वेश्चन है आपका गोल्ड इज़ डिजॉल्व इन सोना को किसमें घुलाया जा सकता है इसके ऑप्शंस हैं सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोना को किस में घुलाया जा सकता है मतलब गोल्ड को हम किस में डिजॉल्व कर सकते हैं आप जनरली देखते होंगे जो सुनार के दुकान पे आप जाते हो और बोलते हो कि इसकी सफ़ाई कर दीजिए सफ़ाई करने का मतलब होता है कि वो थोड़ा सा परत वो ऊपर का जो है वो डिजॉल्व कर देता है और जिससे नीचे वाली जो चमकी मतलब वो चमकने लगती है तो उसके लिए वो यूज़ करता है एक्वारेजिया एक्वारेजिया जो है वो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड होता है मतलब थ्री इच टू वन का मिक्सचर होता है तीन मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब तीन मोल एच और एक मोल एच थ्री लेते हैं और इससे बनता है एक्वारेजिया और उसमें डिजॉल्व हो जाता है आपका गोल्ड तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी अगला क्वेश्चन है आपका आयरन इज ऑप्टेन फ्रॉम आयरन किससे ऑप्टेन किया जाता है इसके ऑप्शन है लाइम स्टोन ब्लेड मोनाजाइट सैंड एंड हेमेटाइट। आयरन को ऑप्टेन करने के लिए बहुत सारे ओर्स यूज किए जाते हैं जिसमें आपका मैग्नेटाइट भी आता है हेमेटाइट भी आता है और भी बहुत सारे हैं लिमोनाइट आता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी हेमेटाइट और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा एफ ई टू ओ थ्री होता है एफ ई टू ओ थ्री और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है एफ ई थ्री ओ फोर मैग्नेटाइट एफ ई थ्री ओ फोर एंड हेमेटाइट एफ ई टू ओ थ्री अगला क्वेश्चन है आपका देयर इज़ नो रिएक्शन व्हेन स्टीम पासिस निम्न में से कौन सा एलिमेंट है जो वेपर से या स्टीम से रिएक्शन नहीं करता है इसके ऑप्शंस हैं एल्युमिनियम कॉपर कार्बन एंड आयरन आयरन को जब वेपर से आप गुजारोगे वेपर कहने का मतलब है एच टू ओ से जब रिएक्शन कराओगे तो ये एफ ई टू ओ थ्री का फॉर्मेशन कर लेता है कॉपर भी आपका रिएक्शन कर लेता है सी ओ एच होल टू बना लेता है सी ओ एच होल टू कार्बन भी रिएक्शन करता है ये सी ओ टू में कन्वर्ट हो जाता है या फिर सी ओ में भी कन्वर्ट हो सकता है हाई टेम्परेचर पे मैक्सिमम कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है एलमोनीय जो है ये इसका वाटर वेपर का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दिस कॉन्सस्ट कार्बन निम्न में से किसमें कार्बन प्रेजेंट है इसके ऑप्शंस हैं लिग्नाइट टीन सिल्वर एंड आयरन इसका करेक्ट आंसर होगा ए लिगनाइट लिग्नाइट एक फॉर्म ऑफ कार्बन है मतलब कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स आप जानते हो एंथ्रासाइड मोनासाइट लिग्नाइट तो इसमें लिग्नाइट इसका करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है आपका बाई विच प्रोसेस एलम क्लीन द मडी वाटर एलम किस प्रोसेस से गंदे पानी को साफ कर देता है इसके ऑप्शन है एबजॉर्बसन एडजॉर्बसन क्वागुलेसन और डायलिसिस एलम जनरली एडजॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है सिलिका जेल वगैरह या फिर जो एलम्स वगैरह होते हैं वो तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी अगला क्वेश्चन है आपका सेफ्रॉन इज ड्राइड मिक्सचर ऑफ सेफ्रॉन किसका सूखा मिश्रण है इसके ऑप्शंस हैं सीड फॉर्मिंग पार्ट पार्ट ऑफ फ्लावर्स लीफ एंड स्टेम पेटल्स एंड रूट सीड्स एंड मड इसका करेक्ट आंसर होगा ए सीड फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स सैफ्रन जो है वो सीड फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को सिर्फ ऑप्टेन किया जाता है जानते हो आप कि ओव्यूल फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम सीड कहते हैं तो ओवियोल की जो कवरिंग वगैरह होती है या जो भी अदर पार्ट्स होते हैं उन सब को ड्राई करते हैं तो वहाँ से सेफ्रॉन हमें मिलता है अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रूट निम्न में से कौन सा फ्रूट है इसके ऑप्शन हैं पोटैटो रेडिस लेडी फिंगर स्वीट पोटैटो आप जानते हो पोटैटो जो है वो स्टीम मोडिफिकेशन होता है रेडिस भी स्टेम मोडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो आपका रूट मोडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो रूट रूट मोडिफिकेशन एंड पोटैटो स्टेम मोडिफिकेशन और इसीलिए इन दोनों को हम एनालोगस कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के एनालोगस होते हैं मतलब उनका ओरिजिन अलग अलग होता है लेकिन इनका काम सेम है हम इन्हें खाते ही हैं दोनों को स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो को Uh, सिर्फ लेडी फिंगर जो है वो आपका किसी भी तरह का मोडिफिकेशन नहीं होता है एक्चुअली ये फ्रूट होता है लेडी फिंगर का प्लांट अगर आप देखे होगे तो सबसे पहले उसमें फ्लावर्स आते हैं और उसके बाद वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो ये आपका लेडी फिंगर जो है वो फ्रूट होता है इसे वेजिटेबल है ये आपका आप भी जानते हो लेकिन ये फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो ये आपके ओवरऑल ट्वेंटी क्वेश्चंस थे अपने स्कोर हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना करेक्ट किया है या कितना आप कर पाए हो इसके अलावा आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो हमें कमेंट करके बताइए हम कोशिश करेंगे कि इसे ठीक किया जा सके और घर पे रहिए पढ़ाई करते रहिए और सेफ़ रहिए थैंक यू